नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। शुक्र मार्गी हो रहे हैं। शुक्र क्या है? धन है, दौलत है, प्यार है, विलासिता है। जहां पर चमक है वहां शुक्र है, जहां पर हरियाली है वहां पर शुक्र है, जहां पर सुख है वहां पर शुक्र है, जहां पर पैसा है वहां पर शुक्र है, जहां पर अंधेरा है, जहां पर मारपीट है, जहां पर गरीबी है, जहां पर हाय तौबा है, वहां पर शुक्र नहीं है। पति पत्नी का प्यार शुक्र है, प्रेमी प्रेमिका का प्यार शुक्र है, आपके बैंक में रखे हुए पैसे शुक्र हैं, आपके घर में जो रिश्तों में मधुरता है वो शुक्र है, घर की सफाई शुक्र है, मां लक्ष्मी शुक्र है। जहां पर सब बढ़िया है वहीं पे शुक्र है। और शुक्र मार्गी हो रहे हैं, यानी सीधी चाल चलने वाले हैं धनु राशि में। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो शुक्र भी गुरु हैं, वो देवताओं के गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो शुक्र को भी जब दिक्कत आती है तो वो भी देवगुरु बृहस्पति से मदद लेते हैं, तो यहां पर अच्छे परिणाम आपकी राशि को प्राप्त होंगे। तो आइए जानते हैं आपकी राशि को क्या परिणाम मिलने वाले हैं। शुक्र के पास सातवीं दृष्टि होती है, जहां बैठेंगे वहां से सातवीं घर पर अपनी नजर डालेंगे। नौकरी व्यापार शिक्षा के क्षेत्र में, धन दौलत के क्षेत्र में आपको क्या शुभ परिणाम देने वाले हैं शुक्र, और कहां पे सावधानियां रखनी है, इस विषय की चर्चा हम करने वाले हैं इस वीडियो में। शुक्र को कैसे बेहतर बनाया जाए उसके हम आपको उपाय भी बताएंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं। और आप सभी लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और आप बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, इसकी रिपोर्ट हमें मिलती है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा आनंद उठाते रहिए। आइए शुभारंभ करते हैं। जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। ये वीडियो आपकी राशि के लिए है। जानते हैं कि क्या करेंगे मार्गी शुक्र। पूरा फरवरी का महीना 27 तारीख तक आपको मार्गी शुक्र का लाभ मिलता रहेगा। आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। हम बात करने वाले हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए जब धनु राशि में मार्गी होंगे शुक्र, तो क्या परिणाम मिलने वाला है। 12वें घर में मार्गी होंगे तो यह घर जो है एकांत का है, आश्रम का है, गुप्त रोमांस गुप्त प्यार का है, गुप्त अनुबंधों का है, गुप्त भागीदारियों का है। ऐसे में जातक गुप्त प्रेम संबंधों में फंस जाता है, यानी ऐसे प्रेम संबंध जिसके बारे में आप कभी बताते नहीं हैं, छुप छुप के प्यार, घर एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, एक तरफ प्रेमी एक तरफ दूसरा प्रेमी, गुप्त प्रेम संबंध, इन्हीं को बोलते हैं जो छुप छुप के प्यार होता है। तो ऐसे में जब वो अलग अलग बिंदुओं पर अपना ध्यान एकत्रित करेगा कोई भी, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, तो फिर क्या होगा, उसको बहुत सारी चीज़ें छुपानी पड़ेंगी। बाहर वाली से घर वाली को छुपाना है, घर वाली से बाहर वाली को छुपाना है, तो काफ़ी रहस्यमय हो जाता है, सोचता रहता है कि उसको क्या बोलना है, इसको क्या बोलना है, वहाँ क्या बोला था, वहाँ क्या बोला था, यहाँ झूठ ना पकड़ा जाए, वहाँ झूठ ना पकड़ा जाए, और मन में रोमांस बहुत होता है, रोमांटिक इच्छाएँ छुपी होती हैं, इधर भी प्यार चाहिए उधर भी प्यार चाहिए। कई बार कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो व्यक्ति कहता है चलो मिल रहा है तो ऐश कर लेते हैं, इस तरीके की प्रवृत्ति व्यक्ति को यहाँ पर शुक्र दे देते हैं। और जिनका शुक्र जन्म कुंडली में खराब होगा उनमें ये ज्यादा प्रवृत्ति होगी, वो एक तरफ घर वाली और बाहर वाली तो पता नहीं कितनी होगी। तो या फिर कई बार व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है, पैसा खर्च करके प्यार पाने की कोशिश करता है, तो भीड़ में आप अपने आप को अलग पहचान दिलाने का अनुभव भी पा सकते हैं कि मुझे लोग पहचाने मुझे लोग जाने, ऐसा भी आपके अंदर स्वभाव में ऐसी चीजें यहाँ पर शुक्र दे सकते हैं। लेकिन आपकी जो छुपी हुई रोमांस है, छुपा हुआ रोमांटिकपन है, वो ज़्यादा बढ़ने की वजह से आप गलत रिश्तों में पड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। कुछ लोग कुछ नहीं करेंगे, ना वो घर वाली से प्यार करेंगे ना बाहर वाली से प्यार करेंगे, सिर्फ सपने देखेंगे। अब सपनों पे तो ना कोई पैसा लगता है ना टैक्स लगता है, ना कहीं जाना ना कहीं आना, कुर्सी पर बैठे बैठे देखिए, बिस्तर पर लेटे लेटे देखिए। और सपने देखने में सिर्फ एक ही चीज़ लगती है, वो लगता है वक्त, यानी कि आप अपने अच्छे वक्त को बर्बाद कर देंगे। सपनों में ही खुश होते रहेंगे, मैं तो यहाँ घूम रहा हूँ, मैं तो हवाई जहाज में घूम रहा हूँ, मेरे आजू बाजू अप्सराएं घूम रही हैं,
मैं तो खूबसूरत महिला हूँ, लड़कों की लाइन लग गई, मैं तो खूबसूरत पुरुष हूँ, लड़कियाँ पीछे पीछे भाग रही हैं, इधर से कोई खाना खिला रहा है, उधर से कोई पानी पिला रहा है, मिठाइयाँ आती जा रही, ऐसे सपनों में आप चले जाएंगे। और जब सपनों में तो कुछ नहीं होता, सपना टूटेगा तो बस यही होगा कि 2 घंटे से सपना देख रहे थे, ऑफिस लेट पहुंचे, ऑफिस का काम लेट शुरू किया तो डांट पड़ेगी, और घर वालों ने देखा कि सोए पड़े हो तो उनकी डांट पड़ेगी, और सपना टूटेगा, सब कुछ टूट जाएगा। तो ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं, तो काल्पनिक रिश्तों में भी फंस सकते हैं और एकांत में भी जा सकते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे कि एकांत में यानी कि ध्यान लगा के बैठ जाएंगे, दुनिया से कट जाएंगे। देखिए शुक्र है, या तो शुक्र आपको भोगी बना देगा या तो योगी बना देगा। अब भोगी वो है जो मैं आपको बता रहा हूं, योगी वो है जो कहेगा कि भाई मुझे तो भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान से अपनी कनेक्शन जोड़ने पर लग जाएगा। तो कुछ लोग योगी बनेंगे, कुछ लोग भोगी बनेंगे। तो आपके जीवन क्षेत्रों में जो है आप लोगों से आकर्षित होंगे, आप जो भी आपके सामने से विपरीत लिंग का निकला आप आकर्षित होंगे, हाँ क्या खूबसूरती सामने से निकली, काश ये लड़की या लड़का मेरी जिंदगी में होता, और आप उसके पीछे भागते चले जाएंगे, भले भाग ना पाए, मन भागे दिमाग भागे। तो शुक्र पीड़ित होने पर, अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित है और खराब है, तो मैं आपको यही कहूंगा आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप सिर्फ तरसते रहेंगे, आहा ये देखा कितना बढ़िया, वाह वाह वाह, बस तारीफ करते रहेंगे, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, आप बस तारीफें करते रहेंगे या सपने देखते रहेंगे और जीरो आपके हाथ में आएगा। तो शुक्र खराब होगा तो सिर्फ आप बातें करेंगे या इधर उधर की गप्पे मारेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके 5वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और इस समय में 12वें भाव में मार्गी हो रहे हैं, तो आपके लिए धन दौलत के मामले में शुभ रहने वाला है। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता पा सकते हैं, इसके अलावा जो व्यापार करते हैं व्यापार में नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं, और अपने कार्यस्थल पर अपने विरोधियों पर और शत्रुओं पर हावी हो सकते हैं, और अपने कार्यों में अच्छी सफलता पा सकते हैं, और कई बार आप जबरदस्ती किसी पर हावी होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां मंगल भी होंगे, जबरदस्ती आप किसी के ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, अपना दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, वहां पर भी आप सफल नहीं होंगे। अब मैंने आपको 2 बातें बताई, शुरुआत में बताया कि एकांत में रहेंगे, प्यार इश्क मोहब्बत में फंसे रहेंगे, और दूसरी बात यह बताई कि कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में तभी सफलता मिलेगी जब आप सही तरीके से काम कर पाएंगे। घर वाली और बाहर वाली के चक्कर में फंसे हैं, अवैध प्यार के चक्कर में फंसे हैं, देर देर तक सपने देख रहे हैं, 8-8 घंटे फोन पे बातें हो रही हैं, सपनों में अप्सराएं नाच रही हैं, तो काम कब करेंगे? अगर उससे बचे तभी तो काम करेंगे। फिर मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, या तो योगी हो जाएंगे या तो भोगी हो जाएंगे। भोगी हो जाएंगे तो भोग में खोए रहेंगे, भोग में खोया व्यक्ति को काम नहीं चाहिए होता, उसको तो भोग चाहिए होता है, और जो योग में चला जाए उसको भी काम नहीं चाहिए होता, उसे ईश्वर चाहिए होता है, तो छूट गया बेचारा काम। तो योग और भोग से बचेंगे, या उतना योग और भोग करेंगे जितना एक सामान्य व्यक्ति को करना चाहिए, तो काम बहुत बढ़िया चलेगा। और अगर आप यहां पर किसी के ऊपर अपना दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि मैं तुमको दबा दूं, तो आप सफल नहीं होंगे, ऐसी गलती मत करिएगा। प्रेम संबंधों में शुक्र की स्थिति जो है शुभ योग बनाएगी, मैंने कहा ना खूब प्रेम आएगा। अब जिनके पास नहीं है उनके लिए तो बढ़िया, जिनके पास है वो अगर 4-4 जगह चक्कर चलाएंगे तो फिर पहले वाले का क्या होगा, फिर विश्वासघात होगा, तो रिश्तों में तकरार होगा। हाँ, शादी की बात आगे बढ़ानी है, अपनी गलतियों को सुधारना है, अपने जीवन साथी से और प्यार दिखाना है, अपनी रोमांटिक लाइफ को बढ़ाना है, तो ये वक्त आपके लिए बढ़िया है। लेकिन कहते हैं ना सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, तो यहाँ पर शुक्र एक अच्छा भी दिखाएगा बुरा भी दिखाएगा। अगर सही तरीके से चले तो तरक्की, गलत तरीके से चले तो वक्त की भी बर्बादी है, पैसों का भी खर्चा है, और गुप्त रोग भी लग सकते हैं, और पुलिस के डंडे भी खाने पड़ सकते हैं, जेल वेल की यात्रा भी हो सकती है उल्टे सीधे काम किए, और अस्पताल में भर्ती भी हो सकते हैं। और सही तरीके से काम किया तो सब कुछ मंगल ही मंगल होता चला जाएगा, बहुत धन दौलत देश विदेश में सफलता मिल जाएगी, अत्यधिक लाभ होगा। देखिए मेरा समझाने का तरीका अलग है, हो सकता है आप और लोगों की वीडियोस देखते हो, वहाँ पे
बताने का तरीका अलग होता हो, लेकिन मेरी बताने का तरीका वही है जो शास्त्र कहता है, मैं सत्य पे चलता हूं। तो वो करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो वो मिलेगा, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने शुक्र को बेहतर रखने की कोशिश रखेंगे, अपने जीवन साथी से प्यार बना के रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे, स्त्रियों का सम्मान करेंगे और खुशियों में जीवन बिताएंगे। साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे और भगवान विष्णु की भी आराधना कर लीजिए, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर आपके कोई शत्रु हैं तो उनसे सावधान रहिएगा, शत्रु आपकी कमी को पकड़कर आपको नीचा गिराने की कोशिश कर देगा जहां पर आपको तकलीफ हो सकती है। ध्यान रखिएगा, वक्त बहुत अच्छा है, लेकिन कहते हैं ना, प्यार अच्छे अच्छों को बना भी देता है, बिगाड़ भी देता है। अब आप बनेंगे या बिगड़ेंगे ये आपके ऊपर तय करता है। हमारा काम था आपको सही जानकारी देना। फिर भी जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।